हाय दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बियर की बोतल के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो बना चुके हैं बियर की बोतल के ऊपर, जिसमें हमने एक तार की सहायता से बियर की बोतल को काटे थे। दोस्तों, इस बार लेकिन हम लोग एक रस्सी की सहायता से बियर की बोतल को काटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लेने वाले हैं एक धागा का बंडल और एक बियर का बोतल और एक कांच का टुकड़ा। चलिए दोस्तों, अब हम बियर के बोतल पर धागा को लपेटेंगे राउंड शेप में। धागा को राउंड राउंड लपेटने के बाद उसे एक जगह में फिक्स रख देंगे जहां से हमें बियर के बोतल को काटना है। इससे करने से दोस्तों हमारा बियर का बोतल परफेक्ट शेप में कटेगा। चलिए, तैयार है हमारा धागा। अब चलिए दोस्तों, जिस जगह पर हमने धागा बांधा है ना, वहीं पर हम पेट्रोल को पूरा भिगा देंगे, पूरा राउंड शेप में, पूरा सावधानी से। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को आप भी घर में आसानी से कर सकते हो और किसी भी शीशे या बोतल या कांच के टुकड़े को परफेक्ट शेप पर काट सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए, हम भिगाते हैं धागा को जल्दी से पूरा। चलिए दोस्तों, अब तैयार है हमारा बियर का बोतल कटने के लिए। चलिए, उस पर अब आग लगाते हैं हम लोग और आग लगाने के बाद दोस्तों बियर के बोतल को हल्का हल्का राउंड में घुमाते रहें, उसका धागा का जो भी पेट्रोल है वो अच्छे से पूरा जल जाए। दोस्तों, पेट्रोल पूरा जलने ही वाला है, पूरा पेट्रोल जल जाए और आग बुझ जाए तो उसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे। अब चलिए दोस्तों, बियर के बोतल के ऊपर वाले भाग को हाथ की सहायता से उसे हल्का राउंड घुमाकर प्रेशर देंगे तो कांच अपने आप टूट जाएगा। देखिए दोस्तों, पूरा परफेक्ट शेप में कटा है कांच, पूरा एकदम बराबर जैसा। इस ट्रिक को आप भी घर में अपना सकते हो, बहुत आसान दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इस ट्रिक से हम एक आईना का टुकड़ा को बीच से परफेक्ट शेप में काट कर देखेंगे। क्या ये आईना का टुकड़ा परफेक्ट शेप में बीच से कटेगा कि नहीं, चलिए ट्राई करते हैं। पहले की तरह ही दोस्तों हमने आईना के ऊपर धागा को रख दिया है बराबर शेप में। चलिए, उसके ऊपर अब पेट्रोल डालते हैं। दोस्तों, हमने पहले की बियर की बोतल की तरह हमने पूरा राउंड शेप में धागा को नहीं किया है, इसमें ऊपर भर में किए हैं सीधा में। चलिए, हमने पेट्रोल अच्छे से लगा लिए हैं, अब इसमें भी आग लगाते हैं। आईने को हमने जलाने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद देखा दोस्तों, बीच से मस्त एकदम परफेक्ट शेप में कट गया था। इसके हमने हल्का से किया तो परफेक्ट शेप में पूरा कट गया। दोस्तों, इस ट्रिक के आप भी घर पर आराम से अपना सकते हो, इससे कोई भी कांच को आप आसानी से बराबर शेप में काट सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। हम लोग आपके लिए इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे।